नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष जफर नोमानी के नेतृत्व में एमएम वैली के टीएमसी स्कूल में नोटबुक वितरण का रखा गया कार्यक्रम। इस अवसर पर नेहा नाइक, रफीक शेख, सरफराज भाई, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वक्त मैं एमएम वैली के पास जो हमारा महानगर पालिका का स्कूल है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। निराज भाई, नेहा नाइक साहबा, शादाब भाई, रफीक ठाकुर, तमाम लोग मौजूद हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि एजुकेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उस पर किस तरीके से और बेहतरी से काम हो सकता है, उसके लिए जो हमारे नेता हैं, जो हमारे भाई हैं जनाब नजीबुल्ला साहब, उन्होंने ये कहा था कि आप मुमरा शहर में जितने भी महानगर पालिका की स्कूल है, स्टेशन से लेकर के एमएम वैली तक जितनी भी स्कूलें हैं, आप उस स्कूलों में जाइए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहां पर महानगर पालिका की स्कूलों में आपको किताबें बच्चों को मिलती है लेकिन नोटबुक कम मिलती है। अगर हम, क्योंकि महानगर पालिका देखिए, लोगों की एक मेंटेलिटी है, एक सोच है कि महानगर पालिका में जो स्कूल है उसमें गरीब तबके के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, और वाकई में ये हकीकत भी है, क्योंकि जो देखिए आज प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन इसलिए कि महानगर पालिका के स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अगर हम अपनी तरफ से नोटबुक दे देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक मदद हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह में हम लोगों की हमारी पूरी टीम, यहाँ पर जो टीम नजीबुल्लाह साहब की है वो यहाँ पर तशरीफ लाई है और उन्होंने जो नोटबुक बांटने का काम चालू किया है। आज हमने एमएम वैली की जो स्कूल है वहां पर 9000 बुक लाया है, उसका बांटने का काम चालू है। जो बच गई है अभी हम यहां बांटेंगे, फिर मुमरा स्टेशन पर जो पटेल स्कूल है, जो बॉम्बे कॉलोनी में वो स्कूल है, फिर आपके शंकर मंदिर पर है, अचानक नगर में है, फिर आपके आइडियल स्कूल की जो स्कूल है, हम तमाम स्कूलों में वहां पर बुक बांटेंगे इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई, टीएमसी स्कूल में आप लोग पूरी टीम के साथ में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह थे यहाँ पे आने की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्चुअली आज आने की हम लोग की वजह ये थी कि हमारे नजीबुल्ला साहब ने बुक्स यहाँ पे जो बांटने का पहले ऐलान किया था वो काम को आज अंजाम देने के लिए हम स्कूल नंबर 1373 ऐसे 12 स्कूल्स है उसके लिए हम लोग आज आए थे, और सब क्लास वाइज जो हमको नोट्स बुक लॉन्ग बुक एक्चुअली वो बुक देने के लिए हम लोग आए थे। कौन कौन से बच्चों को बुक बांटी गई? अभी तो देखो यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड के लिए दिए हैं, उधर भी 8 स्टैंडर्ड के लिए दिए, बाकी जितनी भी बुक्स है करीब 5000 प्लस बुक्स है, ये वो बुक्स हम लोग बाकी के सब क्लासरूम में अंदर देते रखे हैं, बाकी टीचर्स लोग उसको बांटेंगे। तकरीबन कितने बच्चे हुए जो बुक बांटे आपको? हम लोग ने अभी करीब 2 क्लास में बांटे, जिसमें 50 बच्चे थे, जिसमें 60 बच्चे थे, मैं काउंटिटी तो गिना नहीं हूँ, लेकिन टोटल यहाँ पे 900 के ऊपर इन लोग का पूरा टोटल है, उनके हिसाब से बाकी के बुक्स हम लोग ने स्टॉक यहाँ पे दिए, बाकी सब ये सर लोग उनको बांटेंगे। बुक्स तो आप बांट रहे, लेकिन जो अभी कौसा की एक म्युनिसिपल स्कूल का जो वीडियो आया था शौचालय की गंदगी और वहाँ पे नशेड़ियों के अड्डे को लेके, क्या कहना चाहिए, उस पर कब काम करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्दी काम होगा, और वो शौचालय जो है ना, शौचालय स्कूल से सेपरेट है, वो स्कूल में नहीं है, लेकिन फिर भी जो चर्सी लोग उधर आते हैं हम लोग रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पहले से वो करीब करीब बहुत कम हुए हैं, लेकिन पूरे कम्प्लीट तरीके से कम नहीं हुए, और इंशाल्लाह उसको भी बहुत से जल्द से जल्द कल भी हमारे जजित भाई के साथ कमिश्नर की मीटिंग हुई, उसमें ये सारे डिस्कशन हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरे की बात थी वो भी कमिश्नर साहब ने अप्रूवल दिया है, बहुत जल्द वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरेज भी लगेंगे, और जो शौचालय का मसला है उसको भी जो है नए सिरे से बनाने के लिए उसका टेंडर प्रोसेस में बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको बनाएंगे, और ऐसा नहीं कि बच्चे लोग को स्कूल की बिल्डिंग में भी ग्राउंड फ्लोर पर भी टॉयलेट है और फर्स्ट फ्लोर पर भी टॉयलेट है, लेकिन वो बच्चों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों को ताखीर होती तो उधर जाते थे, लेकिन अभी हमने उसको कम्प्लीटली बंद करके स्कूल में उनको करा दिया। आपकी पूरी टीम के साथ टीएमसी स्कूल में आते हैं, तकरीबन कितने स्कूलों में बुक बांटी गई और कौन कौन सी बुक थी, एक एक बच्चों को कितनी बुक बांटी गई है? वो पूरा सेट है, 3 का एक सेट है, 3 का एक पूरा, हाँ सेट दिया जा रहा है हमको, और इधर टोटल 12 स्कूल चलती है टीएमसी में, 12 अलग अलग स्कूल है वहाँ पे, और 9th और 10th इधर चलता है, इनको भी दिया गया। यहाँ पे जो है थोड़ा लेट होने की वजह से जो सुबह के बच्चे हैं उनको सुबह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और बाकी की कुछ क्लासेस को हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम था तो उनको बच्चों को डिस्टर्ब नहीं हो,
तो उसमें कम पीरियड था, इसके लिए हम लोगों ने पहले यहाँ 10th के बच्चों को पहले बुक दे दी और अभी वापस जाकर हम लोग उस क्लास में जो बचे हुए उन बच्चों को बांट रहे। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम, हमारे जो लीडर्स हैं नजीमुल्ला साहब, उनके पीछे लग के काम करा रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं कि आप लोग हमारे पीछे लगते हैं, हमको अगर काम नहीं करो तो वापस से टच करते कि ये काम करना, ये काम करना। और वो एक एक करके, जैसा कल कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, सारे नगर सेवक थे वहाँ, जिसमें हॉस्पिटल का मुद्दा उठा, स्कूल का कैमरे का, जो आप जो बोल रहे बाथरूम का, वो मुद्दा उठा और हर स्कूल में कैमरे लगाने की बात हुई। उसके बाद में कब्रिस्तान का भी मुद्दा उठाया गया और ये एक एक करके सारे आप देखेंगे कि काम पूरे हो रहे हैं कुछ ही वक्त में। इलेक्शन आ रहा है, इस वजह से तो ये काम पूरे नहीं किए जा रहे। नहीं, फील्ड ये चुनावी स्टंट तो नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ये चुनावी स्टंट तो नहीं, आप लोग की टीम को लेकर। नजीब भाई फील्ड पे ही उतर के 3 महीना हुआ और जो जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं काम। अगर इलेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है, हर वक्त वहां भी हम लोग थे तो यही बोला जाता था कि हम लोग रोड पे जब डांबर डलवा या कोई भी काम करे, अरे भाई क्या इलेक्शन आया। हम लोग तो 12 महीने फील्ड पे रहते हैं साल के और इंशाल्लाह हमेशा काम करेंगे। लोगों की जो भी जरूरत है पूरी कोशिश करेंगे। हमारी नजीबुल्ला एन साहब की टीम, अनंत परांजपे साहब और अजीत दादा के जो हमारे सुप्रीमो है, लीडर है हमारे, उनके जो भी उनके जो मार्गदर्शन में जो भी काम होगा मुमरा कौसा का या अतराब का, दीवा का या खारे गांव कलवा का, उसको पूरी कोशिश करेंगे हमारे तरफ से पूरा करने। मेराज भाई, कल आपने आयुक्त से, टीएमसी आयुक्त से मुलाकात की थी, क्या बातें हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? कल हम लोग सबको नजीब भाई ने बुलाया था, हम सब कमिश्नर साहब के साथ बैठे थे और काफी हेल्दी डिस्कशन हुआ। काफी चीजों से जो थे कमिश्नर साहब अनजान थे, जैसे अभी आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे और इस पे देख रहे होंगे कि वो कब्रिस्तान में कब्रों में पानी भर रहा है, गंदा पानी आ रहा है, लाशें ऊपर तैर रही हैं, तो ये सब बातों से कमिश्नर साहब अनजान थे। कल उनको पूरा वीडियो बताया गया, उनको पूरी चीजें बताई गई तो वो शॉक में थे। उन्होंने जूनियर इंजीनियर और जो सिटी इंजीनियर है उनको बहुत उन्होंने डांटा लताड़ा, उनसे कहा ये क्या हो रहा है ये। और उस पर से जब बताया गया कि पूरा बजट जो है थाने महानगर पालिका ने दिया लगभग 17 करोड़ रुपए के करीब अभी तक कब्रिस्तान में लग चुका है। कोई 13 बोल रहा है, कोई 17। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें कैसा टप्पे टप्पे का। अच्छा। जैसे जब काम चालू होता है तो जैसे दीवार का टाइम आया उसमें पैसा दिया, भरने का टाइम आया उसमें पैसा दिया, तो कमिश्नर ने यही सवाल किया कि भैया जब इतना पैसा दिया तो ये हो क्या रहा है और तुम कर क्या रहे हो। और काफी मुद्दों पे बात हुई, जैसे यहाँ म्यूनसिपालिटी में आज हम लोग बुक बांटने आए थे तो बेंचेस नहीं है, उनको वो भी बताया कि म्यूनसिपालिटी में बेंचेस नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इंस्टॉल कराना है, टीचर्स का जो मुद्दा है वो है, जो वो अहम मुद्दा है वो भी उठाया, फिर टॉयलेट्स का मुद्दा है वो भी उठाया। काफी चीजों से हमारे कमिश्नर साहब अनजान थे, मगर काफी कल नजीब भाई ने आंखें खोली, नजीब भाई ने काफी चीजें बताई, उन्हें राइटिंग में दिए, चाहिए तो उसका भी वो हवाला है, फोटोज है, वो हमारे लोग आपको देंगे ताकि आप लोग उसमें डाल सके। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो बोला जाता है कि इलेक्शन आ रहा है या इलेक्शन स्टंट है ये वो है, तो मेरे ख्याल से पूरा थाना नहीं पूरा महाराष्ट्र ये बात जानता है कि नजीब भाई आज से नहीं, आज तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है कि मैं जो एमएलए का मकसद आ रहा है या नगर सेवक का मकसद आ रहा है, वो काम करने के लिए उतरे हैं और वो काम करके दिखाएंगे और आगे भी इंशाल्लाह वो और ये नेहा मैडम है, रफीक चाचू है, गुड्डू वसीम है, शादाब है, हम जो जफर नुमानी साहब है, इब्राहिम भाई है, हम सब उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इलेक्शन की अगर जरूरत होती तो फिर तो यानी वो बोलते हैं ना, काम किया और नारियल फोड़ा, मगर ये जो है ये काम करना ही, और इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह आप देखेंगे आप पूरी टीम काम करते हुए नजर आएगी।